सदगुरु क्लासेस वेलकम्स यू। हेलो एवरीवन, फाइंड योर फायर। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम शुभम मिश्रा और आज हम स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे अभी हम आपके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल मेन दिया गया, एक दिया गया मैग्नीशियम का रिएक्शन और सेकंड है आपके पास आयरन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और दोनों ही केसेस में मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। क्यों? क्योंकि आयरन भी मेटल होता है, और तो मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। इसको इन जनरल एक हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए पहले आप याद रख लें कि मेटल का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन से होगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब आपके पास एग्जांपल दो है, एक मैग्नीशियम का है और एक आयरन का एग्जांपल गिवन है। जैसे हम अगर पहला एग्जांपल बुक कर लें मैग्नीशियम, इन जनरल रुक जाए पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि क्या फॉर्म होगा, मेटल का ऑक्साइड, और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। ये देखिए ना बच्चों, यहाँ मैग्नीशियम ये मेटल है, ऑक्सीजन तो बनेगा क्या, मेटल का ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ही तो मेटल है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखना अपने अपने बुक में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया गया है आपको करने के लिए, कि आप ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये क्या होगा। आप सबसे पहले याद रख लो कि ये ऐश है, वाइट ऐश, यानी कि मैग्नीशियम का रिबन जब बर्न हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब वो बर्न हुआ जल गया तो राखी तो बनेगा, है ना। एक बात और आप याद रखना कि जब मैग्नीशियम के रिबन को आप बर्न करने चलें तो एक बात याद रखिएगा कि बर्निंग से पहले उसको बहुत अच्छे से सैंड पेपर से वॉश कर लीजिए। क्यों, अभी हम बता देते हैं आपको। याद रखिएगा बच्चों कि मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यही तो है मैग्नीशियम MgO, ये मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक। मैग्नीशियम का रिबन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही शुरू हो जाता है। आप सोच सकते हैं 25 डिग्री पे ही ये रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि अगर मैग्नीशियम रिबन इन जनरल रूम में या कहीं लैब में भी रखा गया है वहाँ पे भी ये रिएक्शन हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने हीट किया है, स्ट्रॉन्ग हीट किया है। यहाँ पे याद रखना आप, ये जो ऐश बना, राख बना, वो जल के बना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग से बना है। लेकिन याद रखना बच्चों, जब मैग्नीशियम का धागा, मैग्नीशियम का रिबन रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री पे ही है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। आप सपोज करना, जैसे देखना यह मैग्नीशियम का, सपोज करो मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक। अब इन जनरल ये 25, ये तो अभी इसमें टेम्परेचर तो 42 प्लस, गर्मियों का टाइम बहुत चल रहा है इस समय। अब आप वीडियो कब देख रहे होंगे ये अलग बात है, है ना। ये 25 से ज़्यादा है इसमें, तो ये अगर मैग्नीशियम का रिबन है तो वो जाहिर सी बात है वो इस मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, आप देखो बच्चों, वाइट कलर का होता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप रिएक्शन को, इस रिएक्शन को शुरू करें, उसके पहले इसको बहुत अच्छे से सैंड पेपर से वाइप कर लें, रिमूव कर दीजिए जो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हुआ होगा रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करके, उसको आप रिमूव कर लें, फिर ये रिएक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने वाले हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या बनेगा, वाइट आइस बनेगा, और यही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखना बच्चों, NCERT का एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है, उसने ये कहा है कि देखो भाई, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको आप बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है NCERT में। आप क्या करेंगे, देखिए एक्टिविटी में करना क्या है, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, अगर इसको Mg प्लस ऑक्सीजन का मतलब O2 तो क्या बनेगा MgO।
अब बैलेंस करेंगे तो ठीक है, ये ऐसे बैलेंसिंग भी हो जाएगा। अब बैलेंसिंग वगैरह तो आगे क्लास 10th में आएगा ये सब, वहाँ पे आप ये रिएक्शंस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अभी इस इन जनरल खाली इतना आप समझ लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न होकर वाइट ऐश बनेगा। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि पाउडर, इसको आप क्या बोल रहे हो, वाइट ऐश, यानी कि जो वाइट ऐश ऑफ MgO। देखना आप कैसे प्रूव करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या नेचर है। इसको आपने कहा कि आप वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो आपको जो सोल्यूशन मिला, ठीक है, आपको देखो सोल्यूशन मिलेगा इसी का, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ऐश मिला, आपको जो पाउडर मिला है उसको आप वाटर में ऐड कर दीजिए। वाटर में ऐड करने से जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन को आप बीकर में किसी ले लें, ठीक। अब आप क्या करिएगा, आपके पास आपको पता है एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का हेल्प लेते हैं। हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है रेड और एक होता है ब्लू। अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेस होता है, और अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो तो वो एसिड होता है, ठीक। आपने देखा इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और फिर सोल्यूशन को आप बीकर में लिए, यहाँ पे आपने लिटमस पेपर इंसर्ट किया, रेड भी इंसर्ट किया और ब्लू भी इंसर्ट किया। आपने क्या पाया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, आप यहाँ क्या पाया कि आपने इंसर्ट क्या किया, जब रेड इंसर्ट किया, ब्लू किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आपने रेड लिटमस पेपर को आपने इस सोल्यूशन में डिप किया तो आप क्या पाया कि रेड कन्वर्ट हो गया किस में, ब्लू में, यानी कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट टू ब्लू। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, ठीक है बच्चों। ये बात आप याद कर लिया, आपके NCERT का एक्टिविटी है ये। कैसे था, हमने पहले देखा कि रिएक्शन क्या है, दो देखो बच्चों रिएक्शन ये है, कहाँ से तो हमने बताया भाई, आप जब रिएक्शन स्टार्ट करें तो बहुत अच्छे से मैग्नीशियम के रिबन को रिमूव कर लीजिए ऑक्साइड क्लियर, क्योंकि वो रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। आपको स्ट्रांग हीटिंग करना है इसलिए खूब अच्छे से उसको वॉशिंग कर लीजिए। फिर अब ये पूछा गया NCERT में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो एसिडिक है कि बेसिक, तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट ये था, आप वाटर में डिसॉल्व कर लिए, सोल्यूशन बना लिया आपने, लिटमस पेपर का हेल्प लेकर के आप क्लियर कर सकते हैं। अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बेस बोलते हैं, और अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम एसिड बोलते हैं। हमने इस केस में क्या ऑब्जर्व किया कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्टेड टू ब्लू, इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। आगे अगला एक्सपेरिमेंट देखें, आपके जो NCERT का अगला एक्सपेरिमेंट है वो है आयरन का। जो आप रस्ट देखते हैं ना, जंग, लोहे में जंग लग जाता है ना, रस्ट, वो वाला केस है, वो भी तो ऑक्साइड ही तो है आयरन का। देखो बच्चों ये था, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, रस्ट। अब देखिए इसमें होगा क्या, Fe+O2+H2O। अब रस्ट का फार्मूला आप याद रखें बच्चों सब लोग, ये आपका Fe2O3.XH2O, यही क्या है, रस्ट है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको NCERT में एक्टिविटी में पूछा गया है कि ये जो रस्ट बना, ये रस्ट ये क्या है, ये है। फिर से अगेन क्वेश्चन आपके सामने आया कि एसिडिक ऑक्साइड है कि ये बेसिक ऑक्साइड है। फिर से आप क्या करोगे, रस्ट को आपने लिया, इसे लोहे ही है, लोहा ही है, जंग लग गया, सपोज करो लोहा आपके सामने है, जंग लगा है, कुछ नहीं, आप जो रस्ट है जंग उसको ले लीजिए, वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, उसका सोल्यूशन बना लीजिए, वही काम फिर से करिए जो आपने यहाँ किया था। आपने सोल्यूशन बना के आपने क्या किया, एक बार रेड लिटमस पेपर को डिप करिए, एक बार ब्लू को डिप करिए। अगर बेस होगा तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, अगर एसिड होगा तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। आप यहाँ फिर से क्या ऑब्जर्व किया, आपने फिर से ऑब्जर्व किया कि भाई जैसे आपने इसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया, यहाँ आपने डिप किया रेड लिटमस को, आपने क्या पाया कि रेड लिटमस पेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ब्लू में, यानी कि ये कैसा हो गया ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड हो गया। यानी कि एक बात तो बड़ा कन्फर्म मिल गया हमको, आप नोट करके एक पॉइंट बहुत ज़रूरी लिखें, वो क्या है कि देखो बच्चों मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल है, आयरन भी क्या है, मेटल है ना। यानी आप क्या कहेंगे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
दोनों गैस में दो, ये भी बेसिक था ये भी बेसिक है, आर बेसिक इन नेचर, ये बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? बहुत अच्छे से इसको लिख लें आप, है ना, ये तो बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भाई जो कॉपर है क्या उसमें रस्ट लगता है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल लगता है रस्ट कॉपर में। इसको आप लिखें फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि डस रस्ट, क्या कॉपर में रस्ट लगता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल। तो आप यहाँ क्या बताएंगे, जैसे व्हेन कॉपर वेसल एक्सपोज्ड मॉइस्ट एयर टाइम डल ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड, और यही जो ग्रीन कोटिंग है बच्चों इज रस्ट इन कॉपर, और ये क्या है जो रस्ट कॉपर का है वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं भी पूरा लिख देता हूँ, कॉपर बिकॉज ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। यानी कि इन जनरल आप क्या देखोगे बच्चों, देखो कॉपर, कोई कॉपर का वेसल है, ठीक, हमने क्या किया, अच्छा ये मॉइस्ट एयर का मतलब आप समझे, एयर का मतलब ऑक्सीजन, मॉइस्ट का मतलब वाटर, यानी कि इसमें दोनों बातें आपने कर दिया, O2 प्लस H2O दोनों बातें इसमें आ गए, आपको अलग अलग O2 H2O करने की ज़रूरत नहीं है, मॉइस्ट एयर में बोथ टर्म्स आर इंक्लूडेड, H2O एज वेल एज O2, ठीक है ना। यानी कि आपने क्या 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 कह दिया है, देखो CU मॉइस्ट एयर का मतलब H2O में O2 ऑलरेडी मिक्स है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से क्या हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर की कोटिंग है ना, याद रखना बच्चों हमने क्या लिखा यहाँ पे, ग्रीन कोटिंग बना, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो ग्रीन कोटिंग होगा, ठीक है ना। अब जैसे आप एग्जांपल सपोज कर सकते हो, आज के टाइम पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देखते हैं वो कुछ हल्का हल्का ग्रीन कलर का हो रहा है ना, आप वहीं से इमेजिन कर सकते हैं, शुरू शुरू में जब ये स्टार्ट में था तो ये कॉपर का था, तो कॉपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन क्योंकि रस्टिंग ऑफ कॉपर होता है ना, ऑलरेडी आप देखो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है ऑक्सीजन भी है, लगातार उससे रिएक्शन होता रहेगा, देखो मॉइस्ट एयर का मतलब ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है ये, तो देखो ना, अच्छा एक बात और, हाँ हमने मॉइस्ट एयर में जो लिखा है ये सब क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, मॉइस्ट एयर, ठीक है, कॉपर देखो हमने लिखा ना, कॉपर जब रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर से लॉन्ग टाइम के लिए तो क्या होगा, ग्रीन कलर। आज के टाइम पे देखिए आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर क्या हो चुका है, हल्का हल्का ग्रीन हो चुका है बिकॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ कॉपर। पहले क्या था, कॉपर था मतलब रेडिश ब्राउन था स्टार्ट में एकदम, लेकिन अब बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर अब वो हल्का हल्का ग्रीन हो गया है, क्योंकि कॉपर का रस्ट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। आयरन का रस्ट आप देख सकते हो रेडिश कलर का होता है, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई इतनी। चलो अब इसके बाद आप हेडिंग डालें मेटल्स विद वाटर का, मेटल्स विद ऑक्सीजन रिएक्शन हमने अभी देखा, अब हम देखते हैं मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर। अब इसमें आप एक जनरल सा पॉइंट लिखें, पहले जब मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा, ठीक है, सबसे पहले आप लिखो जब वाटर से रिएक्ट करेगा
हमको पता है क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन इससे पहले आप एक बात जरूर याद रखें कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। क्यों? अभी आगे एक हम एक वर्ड लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वो ये होगा कि ऑल मेटल्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। सभी मेटल ऐसा नहीं करते कि डायरेक्ट वाटर से रिएक्ट करें और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लें, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो आप जरूर यहाँ लिख देते कि मेटल हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली, लेकिन सभी मेटल ऐसा नहीं करते, इसलिए आप यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे आप? मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा बच्चों, ये बात याद रखना, ठीक है ना। ये मेटल ऑक्साइड जो बना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, इफ़ मैं एक टर्म लिखता हूँ, इफ़ सॉल्युबल इन वाटर, ये मेटल का ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन सिर्फ वही मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वही मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इफ़ सॉल्युबल इन वाटर तो क्या बनेगा? अब यहाँ पे वो भी आता है, हाइड्रोजन गैस और हीट, ये हमने क्यों लिखा अभी मैं आपको क्लियर बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रख लो, आप जानते नहीं, अपने जानकारी के लिए ज़रूर इसको रखें आप। हीट क्या करेगा? यही इसी की वजह से ही हाइड्रोजन एनर्जी गेन करता है और फायर कैच करता है, समझ रहे हैं आप। जैसे मैं आपको कहूँ, आप सोडियम मेटल होता है ना, सोडियम मेटल को अगर आप मॉइस्ट एयर मतलब बाहर ही कहीं रख दीजिए इन जनरल, तो वो फायर कैच कर लेगा। और सोडियम मेटल को अगर आपने वाटर में पुट कर दिया, यहाँ देखो मेटल मतलब सोडियम, अब यहीं से आप सपोज कर भी हम लिखाते हैं, एक बार आप इमेजिन करें। यहाँ से पहले मेटल मतलब सोडियम, आपने वाटर से रिएक्ट किया, पहले क्या बनेगा? सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम का ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये तो बन गया, यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन बर्न क्यों हुआ? आप जब सोडियम को वाटर में पुट करते हैं तो जस्ट ऑनस्टेंट फायर कैच करता है, तुरंत आग लग जाता है, आग जल जाता है। आखिर यहाँ पे तो कुछ ऐसी चीज़ हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो हमने क्या लिखा, मेटल ऑक्साइड इफ वाटर सॉल्युबल तो मेटल हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड बना, सोडियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। फायर कहाँ से आया? आपका आंसर क्या होगा? ये दो जो चीज़ें हमने लिखा है, आपको पता ना, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन तो ऑनस्टेंट फायर कैच कर लेता है। हाइड्रोजन के तो बॉम जो होते हैं, आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है ये, तो हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव होता है। जैसे ही ये हीट निकला, ये हीट रिलीज हो रहा है, जैसे हीट होगा ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करके फायर कैच करेगा। मेटल से कुछ नहीं होगा, आप याद रखना कि मेटल प्लस वाटर रिएक्शन, जैसे मान लो सोडियम प्लस वाटर में सोडियम ने ये नहीं किया कि फायर कैच किया, नहीं, ये गलती कभी मत करिएगा आप। फायर कैच कहाँ से हुआ आप बताओगे? हाइड्रोजन से। इसलिए हमने इन जनरल में ये सारी बातें लिखा। आप बहुत लोगों में देखो ये दोनों चीज़ें मिस होती हैं, तो उनको लगता है कि सोडियम मेटल ने फायर कैच किया है। नो, आप इसको ज़रूर याद रखें, यहाँ से फायर कैच हुआ है। ये आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम का हो सकता है, तो इसलिए आप ज़रूर इस बात को याद रखें, ठीक है ना। अब आप याद रखना, मेटल वाटर से रिएक्ट कर, मेटल ऑक्साइड अगर वाटर सॉल्युबल होता तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि सारे मेटल ये काम नहीं करते, इसलिए हमने ये स्टेप में लिखा। या तो नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिखते, मेटल हाइड्रोक्साइड लिखते, है ना। हमने मेटल ऑक्साइड लिख के तब ये लिखा, इसके पीछे लॉजिक है जो हमने भी बताया आपको, ठीक है ना। एक एग्जांपल से इसको समझ ही लेते हैं, ये सोडियम वाला एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने कहा आपसे कि देखो बच्चों, हमने सोडियम लिया, वाटर से रिएक्ट किया, तो क्या हो गया? सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि सोडियम का ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है। हाँ, सोडियम का ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए ये क्या बनाएगा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि NaOH बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ आप क्या लिखोगे, ये मैं यहाँ पे क्लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिखे देते हैं, ठीक है बच्चों। इज़ वाटर सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये दोनों अपना काम अलग से करेंगे, ठीक है ना। इस हीट को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन तुरंत फायर
कैच कर लेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा एक चीज़ इसमें आप जरूर ये बात याद रखें, जैसे एक लाइन हम यहाँ कहाँ लिख दें, मेटल विद वाटर, हाँ यहाँ पे आप जरूर एक नोट लिख लीजिए, ऑल मेटल्स गिव दिस रिएक्शन, ठीक है अब आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं इसको अगर इरेज कर दूं यहाँ पे हल्का सा, आप लिख लीजिए कि कौन कौन से मेटल ऑक्साइड हैं ऐसे जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, कौन कौन से ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड आपका हो गया, ठीक है बच्चों, सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और ये सभी के सभी ऑक्साइड क्या हैं, आर वाटर सॉल्युबल। बच्चों अगर वाटर सॉल्युबल हैं तो आप क्या लिखोगे, फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड ना, यानी कि पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे जनरल टर्म मेटल हाइड्रोक्साइड लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक बात इसमें, एक बात बहुत ज़रूरी, एक बात अभी याद रख लें आप कि जो मेटल के ऑक्साइड और अभी हमने देखो मेटल का ऑक्सीजन सेलेक्शन क्या बना, ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोजन, ये वाटर सेलेक्शन क्या बना, ऑक्साइड, अगर वाटर सॉल्युबल है तो हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात हो गई ना। छोटा सा ये पॉइंट आप लिख लें, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। देखना बच्चों याद रखो कि जो मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं इनके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पहला कि ये एम्फोटेरिक हो सकते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये बेसिक होंगे, ठीक है ना। हम आपको ये हिंट दे देते हैं अभी से ही। अभी देखो बेटा बच्चों ये मेटल का ऑक्साइड की बात हो रही है ना, आगे जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से देखेंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर से, तो वहाँ पे क्या आएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड आएगा। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड हुआ नहीं, देखो मेटल ऑक्साइड वगैरह हमने देखा। अब वही नॉन मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगा तो क्या बनेगा बच्चों, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। आप याद रखना कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं यहाँ पे क्या है, देखो एम्फोटेरिक मतलब तो दोनों होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एम्फोटेरिक वहाँ भी आएगा, नॉन मेटल में भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों काम होगा। याद रखिएगा मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। इतना बात याद कर लीजिए बस अभी से ही, तो बाकी जब आगे आएगा तो वहाँ तो ये बात क्लियर आपको हो जाएगा ना, न्यूट्रल और एसिडिक में। यहाँ पे याद देखें एम्फोटेरिक और ये बेसिक, एम्फोटेरिक में आप कुछ याद कर लो, जैसे आपका लेड होता है, पीबी मतलब लेड है ना, टिन का मतलब एसन, ठीक है ना, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, एम्फोटेरिक हो जाते हैं। और बेरिलियम भी है, जिंक भी है, बेरिलियम जिंक ये सब आपके एम्फोटेरिक, बेसिक में अभी आपने जस्ट देखा ही, थोड़ी देर पहले हमने किया ना आपका रिएक्शन, जब हमने आपसे कहा कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था वो क्या था, बेसिक, जब हमने जब पीएच वो वाटर में सॉल्युबल किया, लीटर से पर टेस्ट किया तो क्या हुआ था, रेड कन्वर्ट हो गया था ब्लू में, यानी वो बेसिक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल यही है, आयरन का ऑक्साइड था रस्ट भी, वो भी क्या था, बेसिक नेचर का था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी आप तो देख ही लिए, ठीक है ना, एम्फोटेरिक आप कुछ बातें याद रख लो, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, बेरिलियम हो गया, जिंक, ये सब कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, याद कर लीजिए इनको, एज इट इज इक्वेशन बन भी जाते हैं कभी कभी वन मार्क्स में, तो आप इनको ख्याल याद कर लीजिए, है ना। इतना बात हो गया। अच्छा एक चीज़ आपका बुक में भी है, एक देखो आप अपना एनसीईआरटी देखना, वहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि आखिर सोडियम को हम क्यों केरोसिन में डाल पुट करके रखते हैं, वाई सोडियम
हम सोडियम को क्या करते हैं जनरली बच्चों, सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में पुट करके रखते हैं, क्योंकि हमने जस्ट बताया ना आपको, अगर आप सोडियम को यहाँ पे बाहर एटमॉस्फेयर में रख भी दें तो मॉइस्चर ऑलरेडी है, तो मॉइस्चर को अडॉप्ट करके वो एब्जॉर्ब करके फायर कैच करेगा। वाटर में अगर है, वाटर से तो बहुत विग्रस रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन करेगा और तुरंत मेटल का मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, तो मेटल हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन और हीट मिल करके फायर कैच कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये काहे, इसलिए क्यों इसको केरोसिन में रखा गया, इसका रीज़न आप क्या बताएंगे कि ये जो सोडियम होता है, सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है बच्चों। ये तो फिर क्या करेंगे, इसको सो पुट इन केरोसिन ऑयल, किस लिए, टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर। भाई सोडियम फायर कैच क्यों किया, सोडियम जब वाटर से रिएक्शन हुआ तो उसमें हाइड्रोजन और हीट से मिल करके फायर कैच हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। वो उस फायर कैच का रीज़न क्या था, मॉइस्चर और एयर। बस आप एक काम करो, उनको मॉइस्चर से एयर से दूर कर दो। क्या कर सकते हो आप, केरोसिन ऑयल में डाल दीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ ना तो उसको मॉइस्चर है, इस एयर भी नहीं है, ठीक है ना, वाटर भी नहीं है वहाँ पे, ठीक, दोनों नहीं है तो फायर ही नहीं कैच करेगा, सेफ पड़ा रहेगा, है ना। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही तो रीज़न था ना, हाइड्रोजन गैस ही तो रीज़न था, ये तो फायर कैच कर रहा था हीट से मिल करके। जब रिएक्शन ही नहीं होगा, हाइड्रोजन और हीट ही नहीं इवॉल्व होगा तो फायर नहीं कैच होगा, फायर नहीं कैच होगा, इसलिए इसको सोडियम को केरोसिन के ऑयल में पुट किए रहते हैं, ठीक है ना। तो आज इतना हो गया बच्चों, अब के लिए आज के एग्जाम हमने क्या देख लिया, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कैसे होता है, मेटल का रिएक्शन वाटर से क्या कंडीशन है, दोनों जगहों पर हमने क्या देखा, मेटल का ऑक्सीजन से तो ऑक्साइड बनता है मेटल का, बेसिक नेचर, ये बात याद रखो, बेसिक नेचर। वाटर में आपने क्या देखा कि डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड नहीं बोलने का, ठीक है ना। आप पहले ये बोलना कि वाटर जब सोडियम मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो पहले मेटल ऑक्साइड बनाएगा और जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होंगे वही मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब आप आज से बात कभी बोलना कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा डायरेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते वाटर से रिएक्शन करके, ठीक है ना, कुछ ही होता है। इसलिए ये देखो हमने लिस्ट बनाया था ना, पोटेशियम का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब के सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। फिर क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छा आया एक, देखो अभी तक हमने दो तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पढ़े। पहला हमने देखा कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है सब है, पहला कि कॉपर में रस्ट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, आप बताए भी कि ग्रीन कलर का है ना, और वो क्या था ग्रीन कलर, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। एग्जांपल आप देख भी सकते हो, जो स्टैचू हमने बताया ना, पहले वो कॉपर का था तो रेडिश ब्राउन कलर का था, अब इस समय में वो ग्रीन कलर का हुआ है, क्यों, बिकॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ कॉपर, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई ना। ये फिर ये देखा आपने, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिला, सोडियम को क्यों पुट करते हैं केरोसिन, तो आप बताओगे कि क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए उसके इस रिएक्टिव नेचर को कम करने के लिए, व्हाट इज द रीज़न ऑफ द रिएक्टिव नेचर, तो आप बताओगे मॉइस्चर, एयर, वाटर और एयर। तो केरोसिन में पड़ा है तो वहाँ पर उसको ना उसको एयर मिल रहा है ना वाटर मिल रहा है, कुछ नहीं, एकदम आराम से सेफ पड़ा रहेगा, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ना तो हाइड्रोजन रिलीज होगा ना तो हीट रिलीज होगा, यही दोनों तो फायर कैच कर रहे थे, मेटल थोड़ी ना कुछ कर रहा था भाई वहाँ पे, मेटल थोड़ी ना सोडियम डाइऑक्साइड फायर कैच कर लिया, हाइड्रोजन और हीट तो दोनों मिलके ये काम कर रहे थे, रिलीज ही नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, सेफ पड़ा रहेगा सोडियम, ठीक है ना। और दो क्वेश्चन हमने स्टार्ट में ही बता दिया था ना आपको कि जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है और आयरन का ऑक्साइड, दोनों कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, क्यों, क्योंकि दोनों का जब सोल्यूशन बनाया गया
सॉल्यूशन में जब रेड लिटमस पेपर को डिप किया गया तो वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ, यानी कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। सो यू कैन से दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड बोथ आर बेसिक इन नेचर। इसीलिए हमने एक इसके आगे उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है ना बच्चों, बात क्लियर हो गई? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय। वर्कआउट एंड सब अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू।